बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और हमारा आज का अमल कर्ज़ से निजात के लिए है। यकीन के साथ आपने ज़िक्र करना है, मेरे साथ साथ आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारक को पढ़ते जाना है। इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा कर्ज़, लाखों का कर्ज़ हो या करोड़ों का, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदायगी का इंतज़ाम फरमाएंगे। सिर्फ चंद बातें मेरी गौर से सुन लीजिए, उन पर आपने अमल करना है। सबसे पहली चीज़, नमाज नहीं छोड़नी। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना। और तीसरी बात, किसी भी किस्म का गुनाह नहीं करना। अमूमी तौर पे नमाज बंदा पढ़ता है, तिलावत करता है, तस्बीहात करता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िबा करता रहता है। और ये जिस्म पे सजाई जाने वाली सुन्नतें हैं और बाज़ औक़ात रस्म और रवाज को अपना कर छोड़ी जाने वाली सुन्नतें, हर तरह की सुन्नतें, उनको छोड़ देना भी हमारे मसाइल का सबब बनता है। तो इंशाअल्लाह जब अब नेक आमाल करते हुए इस अमल को करेंगे, बहुत जल्दी कर्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह। तो ज़िक्र का आगाज़ करते हैं, उससे पहले सबसे पहली चीज़ जो शर्त है वो अमल की इजाज़त है। उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जिनको करना आता है, जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता, उनके लिए कोई शर्त नहीं है, वो किसी तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शरायत नहीं, महसूस यामी भी कर सकते हैं, हर जगह कहीं भी बैठ कर, खड़े खड़े, लेटे लेटे, जिस तरह चाहें आप इस ज़िक्र को कर सकते हैं। मेरे साथ ज़िक्र कीजिए, आंखों को बंद करके, सर को झुकाकर ज़िक्र कीजिए। इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी, सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, और आप हैरान होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल की कैफियत को कैसे बदलते हैं। जब आपके दिल की कैफियत बदले, दुआ कर लें। जब कैफियत बदले, आप दुआ कर लें। दुआ करें, फिर ज़िक्र करें। अमल के आखिर तक मेरे साथ ज़िक्र करते रहें और आखिर में फिर दुआ करें। अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना मत भूलिए। और आइए अब जिक्र करते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ना मुश्किल लग रहा है तो चेंज योर लाइफ कोर्स कीजिए। उस कोर्स के लिए भी आप हमसे राबता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को उस कोर्स से फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को ख़ुद हल करवाइए। अपना, अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें, जादू नज़ीबत बंदिश के नाम पर लूटने वालों को बिल्कुल पैसा मत दें, ये आपके मसले हल नहीं कर सकते। आइए मेरे साथ जिक्र कीजिए। अगर आप चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए मेरे हर अपलोड होने वाले वजीफ़ा को कर लें, हर अपलोड होने वाले वजीफ़ा में जो जिक्र किया जाता है, आप मेरे साथ जिक्र करें और फिर दुआ करें, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसला हल फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आमाल के ज़रिए मसाइल हल फरमाते हैं जो आमाल हमने चेंज योर लाइफ कोर्स में जमा किए हैं। उसके साथ वज़ाइफ़ के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगिए। आइए अमल का आगाज़ करते हैं। दुरूद पाक तीन मरतबा पढ़ लीजिए और फिर आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। अब मेरे साथ आपने ज़िक्र करना है, या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है, और या वकील, या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक, दोनों अस्माए मुबारक को आपने इकट्ठे पढ़ना है, या वकील, या अल्लाह। और दूसरा ये है, या वकील, या अल्लाह, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं जिक्र करूँ, आप इसी तरह कंटिन्यू कीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। दिल की कैफियत बदले, दुआ कर लीजिए। या वकील, या अल्लाह, या वकील, या अल्लाह, या वकील, या अल्लाह, Ya Wakil, Ya Allah, 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 Ya Wakil, Ya Allah.
وكيل يا الله يا 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 وكيل يا الله مزید سامعین عمل کے درمیان میں جب بھی آپ کی کیفیت بدلی دعا کریں، اور مزید اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک آپ ایک نماز، دو نماز، تین نمازوں میں جب چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ضرور کیجئے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔